इस वक्त मैं अयोध्या में साकेत महाविद्यालय के प्रांगण में मौजूद हूं और दीपोत्सव के आयोजन के ठीक पहले जो अयोध्या में अलग अलग रंग हैं वो सामने आने लगे हैं। आप देखिए कि तमाम सारे जो कलाकार हैं वो अयोध्या के साकेत महाविद्यालय पहुंच चुके हैं। भगवान राम के जीवन पर आधारित जो 11 रथ हैं उनको तैयार किया गया है, उनके जीवन काल से जुड़े हुए तमाम सारी चीजों को इसमें दिखाया जाएगा। जैसे एक रथ ये तैयार किया गया है जिसको पुत्रेष्टि यज्ञ का नाम दिया गया है। ठीक इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो भगवान राम के जीवन काल से जुड़े हुए अलग अलग जो कथाएं हैं, अलग अलग जो कहानियां हैं, उनको इन रथों के माध्यम से दर्शाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। हालांकि पिछले वर्ष भी जब दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में किया गया था तो उनके जीवन काल से जुड़े हुए तमाम सारी चीजों को रथ के माध्यम से दिखाया गया था। ये गुरुकुल शिक्षा भगवान राम ने जब ली उस वक्त क्या स्थिति रही होगी उसको फिलहाल इस रथ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तमाम सारे जो कलाकार हैं उनको आप पूरी तरह से साज सज्जा में देख पाएंगे और एक बड़ा आयोजन अयोध्या में फिलहाल जो दीपोत्सव के दिन किया जाता है उसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखिए कि अलग अलग जो कलाएं हैं प्रदर्शित की जा रही हैं, भगवान राम के जीवन काल से जुड़ी हुई अलग अलग चीजों को सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से लोगों के बीच में उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, डफली बजाई जा रही है और जो सांस्कृतिक कलाकार हैं वो पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें उनको आप देख पा रहे होंगे। और यही तस्वीर फिलहाल अयोध्या के अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिल रही है। तमाम सारे जो भगवान राम के जीवन काल से जुड़े हुए रथ हैं उनको फिलहाल यहाँ पर तैयार किया गया है। 11 रथ यहाँ पर तैयार किए गए हैं जिनको झांकियों के माध्यम से फिलहाल इसी साकेत महाविद्यालय से अयोध्या होते हुए रामकथा पार्क तक लेके जाया जाएगा। तो ये तमाम सारी तैयारियां हैं जो फिलहाल साकेत महाविद्यालय में देखने को मिल रही हैं और उसकी तैयारी को लेकर एक बड़ी टीम भी यहां पर लगाई गई है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि दीपोत्सव के आयोजन को भव्यता देने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जोरदार आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम सारे जो कलाकार हैं उनको आप यहाँ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर फिलहाल नृत्य कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह भी है कि दीपोत्सव के आयोजन को भव्यता देने की कोशिश और तैयारी हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर देखी जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या न्यूज 24।